भारत के इतिहास में 26/11 एक काले दिन के रूप में अंकित हो गया है। नवंबर 2008 में इसी दिन मुंबई में 4 दिन तक चलने वाले आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज पैलेस एंड टावर सहित शहर भर के प्रतिष्ठित स्थानों पर गोलीबारी और बम विस्फोट होने के 14 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड डेविड हेडली की कहानी आज इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने डेविड हेडली को 35 सालों की सजा सुनाई है। उसके ऊपर मुंबई पर हमले की साजिश रचने का आरोप भी है। ये काम उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर किया था। इस आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले उसने 5 बार मुंबई की यात्रा भी की थी। डेविड हेडली का कैरेक्टर शुरुआत से ही काफी सवालों के घेरे में रहा है। उसको एक अय्याश आदमी और एक आतंकवादी के तौर पर जाना जाता है। हेडली शिकागो का पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है, जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों और अन्य आतंकी गतिविधियों की साजिश रची थी। दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली का जन्म 30 जून 1960 को वॉशिंगटन में हुआ था। उसके पिता सैयद सलीम गिलानी वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के साथ एक डिप्लोमेट भी थे, जो कि कुछ समय के लिए वॉशिंगटन के पाकिस्तान दूतावास में रह रहे थे। उसकी माँ मैरीलैंड में पैदा हुई थी। उसकी माँ की जब शादी हुई तो वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए गई। बाद में वो अपने पति से अलग हो गई और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान में वो वापस अपने देश USA आ गई। डेविड हेडली का बचपन काफी डिस्टर्ब था। जवानी आते आते हेडली ड्रग एडिक्ट बन गया था और ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगा था। वर्ष 2002 से 2005 के बीच हेडली ने पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए कई बार पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान भागने की कोशिश करने के दौरान उसको वर्ष 2005 में शिकागो के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। हेडली की एक छोटी बहन सैयदा और सौतेला भाई दयानाल गिलानी है, जो एक समय पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का प्रवक्ता भी था और फिलहाल पेचिंग के पाकिस्तान दूतावास में कार्यरत है। डेविड हेडली को कई बार जेल भेजा जा चुका है, USA में जासूसी करने के आरोप में, ड्रग स्मगलिंग के आरोप में, आतंकवादियों से ट्रेनिंग लेने के आरोप में। कई बार हेडली जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, लेकिन कई बार अपनी पॉलिटिक्स के चलते हेडली कम दिनों के लिए जेल में रहा और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। अब जानते हैं कि गिलानी से नाम कैसे हुआ हेडली। दरअसल वर्ष 2006 में उसने अपना नाम बदलकर डेविड हेडली कर लिया, ताकि आसानी से दूसरे देशों में आ जा सके। 2000 में वे लाहौर आया, जहां वे हाफिज मोहम्मद सईद के संपर्क में आया। जनवरी 2006 में उसने लश्कर आतंकवादियों और ISIS के आकाओं के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने अपने अमेरिकी पासपोर्ट पर कई बार भारत की यात्रा की। उल्लेखनीय है कि हमलों के बाद भी हेडली एक बार भारत आया था। उसकी मोरक्को निवासी पत्नी फैजा ओतहल्ला ने भी 2007 में 2 बार भारत की यात्रा की थी। वो भी उन्हीं स्थानों पर रुकी थी जहां पर आतंकवादी हमले किए गए थे। हालांकि इस पत्नी से भी दाऊद यानी कि हेडली का तलाक हो चुका है और वे अमेरिका की जेल में अभी बंद है। अमेरिका में उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। मुंबई हमले में उसके सहयोगी तहव्वूर राणा को 2 मामलों में अमेरिकी कोर्ट ने 14 वर्षों की सजा सुनाई है।